Hi guys, subscribe our channel and play this bell icon so that you can have our latest updates. मसीह खुदावंद में मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज खुदावंद का खादम नबीद मलिक आपकी खिदमत में आदाब बचा लाता है। खुदावंदे करीम का ममनून हूं कि आज ये खूबसूरत मौका मेरी जिंदगी में मिला है कि एक अहम तरीन मौजू पर कुछ देर के लिए आपके साथ बात करने वाला हो सकूं। अरसे से एक बात दिल में खटक रही थी और इसी असना में एक नौजवान जो खुदावन यीशु मसीह को बहुत प्यार करने वाले हैं, उन्होंने एक सवाल भी कर दिया और चाहा कि उस सवाल का जवाब भी मिल जाए और जो अहम तरीन इशू है उस पर जरा थोड़ी देर के लिए बात भी हो जाए। सवाल ये है, या वो जो अहम तरीन इशू है, टॉपिक है, वो ये है कि जी अहले ईमान यानी अहले कलीसा के नजदीक हम जिंस परस्ती या मर्दों का मर्दों के साथ और खवातीन के साथ, खवातीन का खवातीन के साथ रूसियाही करना, या इस तरह के शादियों के रिश्ते बांधना, मसीही ईमान में इसका क्या मुकाम है? भाई, सबसे पहली बात तो यह है कि मसीही ईमान में इस तरह की बात को इंसानियत की तोहीन समझा जाता है और जाते इलाही के कानून यानी शरीयत के बिल्कुल बरअक्स बात है ये। क्योंकि जब मैं तौरात की किताब में से अहबार और उसका 18 बाब और उसकी 22 आयत देखता हूं, आप भी बाद में देख लीजिएगा, तो इस आयत में खुदा के हुजूर हम जिंसी का जो तसव्वुर है उसको एक मकरूह फेल करार दिया जाता है, जो खुदा के हुजूर बिल्कुल गलत और नाकाबले मुआफी है। और इसके पीछे कई एक रीजंस भी है। भाई, एक रीजन तो ये है कि जब परवरदिगारे आलम ने इंसान को जमीन की खाक से बनाया तो उसके बाद उस इंसान यानी बुजुर्ग आदम के लिए गहरी नींद भेजकर आदम ही की पसलियों में से एक आदम का साथी भी बनाया। मैं बीबी हवा की बात कर रहा हूं। आदम मर्द था और मर्द के लिए खुदा ने मर्द का इंतजाम नहीं किया, औरत का इंतजाम किया। आदम औरत नहीं थी, इसलिए आदम के लिए खुदा ने किसी औरत का इंतजाम नहीं किया। खुदा सबसे ज्यादा साहिब हिकमत है, बल्कि मंबाए हिकमत है। उसके मुताबिक हम उसके उसूल के मुताबिक इस हकीकत को देखते हैं कि खुदा ने खुद बुजुर्ग आदम यानी मर्द के लिए एक औरत का इंतजाम किया कि उसके साथ रहे बसूरत साथी और यूं उनसे औलाद पैदा हो और ये औलाद खुदावंद खुदा की हमद और स्ताइश करने वाली हो। ये वो मेन रीजन था इंसान के बनाने के पीछे कि खुदा तरस नस्ल इस मर्दो जन से नरो नारी से पैदा हो। खुदा के कानून और खुदा के जहन और खुदा की सोच में
इस तरह का रिश्ता मर्द का मर्द के साथ रूह स्याही करना औरत का औरत के साथ ये कतई तौर पर दुरुस्त ना था और ना है और ना मसीही ईमान के मुताबिक इस तरह के रिश्ते को दुरुस्त समझा जाता है। बल्कि यहां तक मैं कहूंगा कि पहला कुरंथियों 6 और उसकी 9 के मुताबिक इस तरह के फेले बद करने वाले लोग दरे फिरदोस में दाखिल भी नहीं हो सकते। ये खुदा के कलाम का अटल फैसला है, आप बाद में इस हवाले को पढ़ लीजिएगा। लेकिन मैं एक रेफरेंस आपके सामने रखना चाहता हूं जो रोमियों का खत है और उसका 1 है और उसकी 26-27। इस तरह के नाफरमान लोगों के लिए जो हम जिंस परस्ती करते हैं, मर्द मर्दों से और खवातीन खवातीन से शादियां करते हैं और यूं जिंदगी गुजारते हैं, खुदा का कलाम इसके मुतालिक क्या कहता है? लिखा है, इसी सबब से खुदा ने उनको गंदी शहवतों में छोड़ दिया। क्या मतलब है? खुदा पसंद करता है कि जाओ जो मर्जी करते फिरो? नो। इसका मतलब यह है कि ऐसे लोग जो इस तरह के नाजायज नारवा और मकरू रिश्तों में बंध गए और मना करने के बावजूद खुदा के कलाम के पढ़ने और सुनने के बावजूद उन्होंने वही किया जो उनके मन में आया, तो लिखा है फिर खुदा ने उनको छोड़ दिया उनके इन बुरे कामों में के जो चाहे करते फिरे, यहां तक कि उनकी औरतों ने अपने तबई काम के खिलाफ तबे काम से बदल डाला। इसी तरह मर्द भी औरतों से तबई काम छोड़कर आपस की शहवत से मस्त हो गए, यानी मर्दों ने मर्दों के साथ रूसियाई के काम करके अपने आप में अपनी गुमराही के लायक बदला पाया है। तो जो बात मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो ये है कि तारीख भी बताती है और खुदा का कलाम भी बताता है और प्रेजेंट आलमी सिचुएशन भी ये बताती है कि कदीम दौर में भी मर्द मर्दों के साथ और खवातीन खवातीन के साथ मुंह काला करते रहे और करते हैं। लेकिन किताबे मुकद्दस में कोई एक भी ऐसी आयत नहीं है जो इस तरह के रिश्ते की सपोर्ट करती हो। अगर कोई मर्द और कोई औरत, मर्द या औरतें, अगर औरतें औरतों के साथ और मर्द मर्दों के साथ इस तरह के रिश्ते कायम करने की कोशिश करते हैं तो पहली बात तो ये है कि वो खुदा के कलाम को बालाए ताक रखकर दूसरी तरफ रखकर जो करते हैं वो करते हैं वो खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं करते, गोया खुदा को भी वो पसे पुश्त डाल देते हैं और फिर अपनी मन मानी करते हैं। सिखाने समझाने के बावजूद बात उनके पल्ले नहीं पड़ती और वो करते हैं जो खुदा को कतई तौर पर पसंद नहीं है। सेकंडली, ये खुदा के उसूल और खुदा के कानून के मुताबिक नहीं है क्योंकि उसने मर्द के लिए औरत का रिश्ता कायम किया है, मर्द के साथ किसी मर्द का रिश्ता कायम नहीं किया। और जो तीसरी बात हमें नजर आती है ये गैर फितरती काम है, फितरत के उसूल के मुताबिक नहीं है और खुदा ने इसके पीछे कई एक रीजन रखे होंगे जिस सबब से उसने मर्दों की मर्दों के साथ और औरतों की औरतों के साथ रूसियाई करने की इजाजत नहीं दी।
इससे कई तरह की अमराज, कई तरह की डिजीजेस पैदा हो सकती है जो जानलेवा भी हो सकती है। और ना सिर्फ इस दुनिया में, हम जो कुछ करते हैं उसके मुताबिक भरते भी हैं, जो बोते हैं वो काटते हैं, बल्कि उखरवी जिंदगी में भी हमारे लिए कोई ऐसा मकाम नहीं कि हमें खुदा के हुजूर एक्सेप्ट किया जाए। इसलिए मैं मुख्तसरन यही कहूंगा कि आए हम हर तरह की आजमाइश से बाज रहें, इस तरह के रिश्तों की सपोर्ट ना करें और इस तरह के रिश्तों के पीछे पड़े भी नहीं, बल्कि इनके खिलाफ बोलें, क्योंकि खुदा और उसका कलाम इस तरह के रिश्तों के खिलाफ बोलता है। और मैं उस नौजवान के लिए ममनून हूं जिसने मुझे ये तहरीक दी कि मैं खुदा के कलाम को बुनियाद बनाते हुए इंतहाई मुख्तसर तौर पर इस मौजू पर बात करने वाला हूं। मेरी दुआ है खुदावंद हमें हर आजमाइश से बचा कर रखे, इस तरह के गुनाहों से जो गैर शरई और गैर फितरती अमल है, खुदा के कानून के बरखिलाफ है, हम उनसे बाज रहे। खुदावंद मुझे और आपको इस कलाम पाक के मुताबिक अपना जीवन बसर करने का फजल अनायत फरमाए। गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ ग्रेट डे।